नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि पे मैनेजर पर नए कार्मिक को ऐड कैसे करते हैं ना। कोई कार्मिक जैसे हमारे कार्यालय में आया और फिर इसकी एम्प्लॉयमेंट आईडी जनरेट हो गई और इसके प्लान नंबर भी जनरेट हो गए, तो अब हमको उसकी सैलरी बनानी। ठीक है, तो इसके लिए हमको उसको सबसे पहले पे मैनेजर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पे मैनेजर में हम मास्टर में जाएंगे। ठीक है, तो मास्टर में जाकर ये पर्सनल डाटा खुलेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें उसकी जो कैटेगरी है सर्विस कैटेगरी वो उसका चेंज करना है, जैसे कि सब ऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस चल रहा है। तो साथियों, जैसे ही अपन कैटेगरी का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अपने आप ये आ जाएगा, है ना, फेच डाटा फ्रॉम SIPF। तो SIPF है ना, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट आईडी जनरेट हुई है, SIPF ऑफिस से, है ना, वहाँ से इसका डाटा आ जाएगा। तो हम अपन यहाँ पे क्या डालेंगे कि एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट आईडी डालेंगे यहाँ पे, फिर डाटा फेच करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कार्मिक की एम्प्लॉयमेंट आईडी। तो साथियों, कार्मिक की एम्प्लॉयमेंट आईडी डाल के डाटा फेच करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर कार्मिक की जो आईडी है उसका डाटा अपने आप फेच हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट आईडी, है ना, और इसकी जॉइनिंग डेट और उसकी रिटायरमेंट डेट। ठीक है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन अपन को भर देनी है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी वो प्रोबेशन में है तो प्रोबेशन भरेंगे, है ना, करंट पोस्ट की यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो मेरे केस में है ओ पॉजिटिव है, तो मैंने ओ पॉजिटिव भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर है कि पोस्ट अपॉइंटमेंट, है ना, तो अपॉइंटमेंट के समय कार्मिक की पोस्ट क्या थी। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन है ना, जिस पद पर कार्मिक लगा हुआ है वो पद ढूंढकर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में जो कार्मिक है वह शारीरिक शिक्षक है, तो मैंने वो चयन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अपन शारदा दर्पण से, है ना, उसका जो ग्रुप है, हेड है, वो सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाके जो उसका पे कमीशन है ना, तो पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे। अभी 7 चल रहा है, तो 7 सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे HRS सेलेक्ट करेंगे जो कि 8% है। ठीक है, फिर ये डिपार्टमेंट, है ना, तो यहाँ पे आके डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वह सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं सबमिट करूँगा। तो साथियों, मास्टर में जाके एम्प्लॉय डिटेल में जाके अपन ये सारी RJDU नंबर डाल के, है ना, एम्प्लॉयमेंट आईडी डाल के अगर फेच करेंगे, इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन भर के, है ना, सबमिट करते हैं, तो कार्मिक हमारे पे मैनेजर में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टेटस भरेंगे उसका, तो ये स्टेटस वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो जो इसकी कैटेगरी है सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और प्रोबेशन में भी, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटस भरेंगे। ठीक है, कि APO है, डेथ है, एडहॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में नॉट एक्टिव आएगा, एनए आएगा। अगला ऑप्शन है ना कि टेम्प्रेरी परमानेंट, है ना, तो हमारे जो कार्मिक है वो प्रोबेशन में, तो प्रोबेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद वो कोटा है ना, तो कुछ कुछ लोग हैं जैसे डाइवोर्स, है ना, विधवा, एक्स सर्विस मैन, है ना, और फिजिकल हैंडीकैप प्लेयर, विडो, तो इस तरह से तलाकशुदा, है ना, या विशेष बीमारी से ग्रस्त, तो ये लोग भी एक खास कोटे के अंदर आते हैं। तो जो हमारा जो कार्मिक है वो तो इस कैटेगरी में नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, नॉट एक्टिव कर देते हैं। अगला ऑप्शन है कैटेगरी। ठीक है, तो जो इसकी जाति के हिसाब से कैटेगरी भर देंगे। ठीक है, और फिर गजेटेड नॉन गजेटेड, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट है तो नॉन गजेटेड आएगा। इसके बाद एंटाइटलमेंट स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो अब ये कि कैसा है, तो अब जैसे कि बहुत सारे, तो इसके बाद NPS वाले हैं ना, तो इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, NPS फ्रॉम 11-2004। ठीक है, और यहाँ पर वे की स्थिति, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमें क्या करना है कि भाई इसके बाद स्टेटस भरने के बाद पे एंड बैंक में जाएंगे, है ना, और वहाँ पर जो IFSC कोड से कार्मिक का जो बैंक नंबर है ना, वो डाल देंगे, बैंक सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डालनी है, जैसे कि प्रोबेशन में था 23,700, और यहाँ पे आपको अगर प्रोबेशन में है तो LP 10 करना है ना, ये L10 है इसका, जैसे ही नीचे जाएंगे तो LP 10 आएगा ना।
और इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे और बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, और आईएफएससी कोड डालने पर बाकी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान से बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद है ये कॉन्टैक्ट है, तो कार्मिक का जो हमारे कर्मचारी उसकी पूरा डिटेल है ना, एड्रेस, फिर एम्प्लॉय डेट्स है ना, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की डेट्स आएंगी है ना, कि इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। तो ये नया कार्मिक है तो सबसे पहले हम एक ही डेट आएगी भाई, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय के नंबर्स, नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एम्प्लॉय के नंबर्स भरेंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स में एक तो आधार नंबर भरना है, पैन नंबर भरना है, ठीक है, और एसआई पॉलिसी तो होगी नहीं क्योंकि अभी प्रोफेशन में चल रहा है, और इसके जो प्राण नंबर होंगे वो भरने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सबमिशन करना है ना, फिक्सेशन टाइम पे है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। फैमिली डिटेल में उसकी फैमिली की डिटेल आई है ना, कि भाई उसके परिवार में जो हस्बैंड है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद फिर स्कीम आएगा, तो स्कीम में है ना, तो जैसे कि अभी प्रोफेशन में है तो एक तो जीआई पॉलिसी पहले से सेलेक्ट करेंगे, ताकि क्या है कि भविष्य में 220 रुपये दुर्घटना के काटने पड़े तो कोई समस्या नहीं आए, है ना। ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह है ना, प्रोविडेंट फंड तो आएगा नहीं, और न्यू पेंशन स्कीम सेलेक्ट करके फिर इसके नॉमिनीज भरना है, ठीक है। तो पहले फैमिली डिटेल भरेंगे, इसके बाद ये जो जो इसको पेंशन मिलेगी है ना, फिर प्रोफेशन पूरा होगा ऐसा ही मिलेगी, तो जो जो मिलेगा वो सेलेक्ट करके और इसके नॉमिनीज में भरना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट वाला इमेजेस, ठीक है, इमेजेस में सबसे पहले कार्मिक के जो फोटो है वो डाल देंगे, फिर इसके बाद उसके जो सिग्नेचर है, फिर इसका थंब इम्प्रेशन, ठीक है, और ये डालकर सबमिट कर देंगे। और लास्ट वाला है क्रॉप डिटेल, ठीक है। तो क्रॉप डिटेल में क्या करेंगे, जब हितकारी निधि हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरते हैं। यहाँ पे हितकारी निधि का वो होता है अकाउंट नंबर, ठीक है, हितकारी निधि सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हितकारी निधि का अकाउंट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब करने से क्या होगा, भविष्य में अगर हम हितकारी निधि काटते हैं कार्मिक की, ठीक है, तो उसके खाते से भी पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम नए कार्मिक को पे मैनेजर से जोड़ सकते हैं और कार्मिक की जो सैलरी है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।